ये है जी मुज़दलिफा, जहाँ गुजर रहे हैं। यहाँ पे हाजियों ने एक रात जो है ना खुले आसमान के नीचे गुजारनी होती है। सही है, क्योंकि ये हुक्म है जब आप उधर से अरफात से वापस आते हैं तो यहाँ पे आपने हाजियों ने जो है ना रात गुजारनी होती है खुले आसमान के नीचे, और कंकरियाँ इकट्ठी करनी होती हैं जो फिर तीन दिन जो है ना वो शैतान को मारनी भी होती हैं। तो यहाँ पे एक रात लाजमी गुजारनी है खुले आसमान के नीचे। ये उनके लिए ट्रेन की पटरी बनी है, ट्रेन जी, ये ट्रेन का ट्रैक है। जो पैकेज ज़्यादा हैवी ख़रीदते हैं वो फिर इसे ट्रेन को ले जाती है, बाकी जो गरीब गुरबा होते हैं वो बेचारे पैदल जाते हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ परमिट लिया होता है वो फिर पैदल सफ़र करते हैं। ये देखिए एक आदमी इधर बैठा है, क्या कर रहा है ये पता नहीं, किलोमीटर है अभी और यहाँ से टोटल सफर 4 से 8 किलोमीटर है। नहीं नहीं, यहाँ से आगे अभी टोटल तो 12-13 किलोमीटर बनता है तकरीबन, 14 किलोमीटर। ये सारा पैदल चलना होता है। अच्छा, यहाँ से पहाड़ तक, यहाँ यहाँ से मीना तक, फिर मीना के बाद वो फिर हज जब हो जाती है तो फिर मीना में रहते हैं 3-4 दिन, मीना से फिर हरम की तरफ आते जाते रहते हैं। लेकिन एक दिन जो होता है वो 8 ज़िलहज को ये सफ़र सारा करना होता है पैदल। सुबह यहाँ पे उधर मीना से निकल के यहाँ पे पहुँचना होता है, खुतबा करके फिर वापस मुज़दलिफा में जाके रात गुजारनी होती है। सही, तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें फिर हुकूमत प्रोवाइड करती है। हाँ, वो पैकेज होता है ना। ये वो बताते हैं कि ये जो है ना पहाड़ के साथ ये दीवार है ना छोटी छोटी जी, ये ऊपर वाली, हाँ जी, ये कोई मेरे ख्याल में मलका थी भी, पता नहीं क्या नाम था उसका, स्कीना या पता नहीं ऐसे कुछ करके था, तो उसने बनवाई थी ये हाजियों के ना, इसमें दरिया में ये रखी हुई छोटी छोटी, उनको पानी वगैरह की सहूलत के लिए और नहीं क्या क्या था, ये सारी वो तब की बनी हुई है दीवार। हाँ, एक पुरानी लग रही है काफ़ी, जहाज की सहूलत के लिए बनवाई गई थी। ये मैदान अरफात की अंदर वाली सड़क है, बड़ी अंदर वाला ट्रैक है बड़ा, ऊपर ये मेट्रो की सहूलत है, ऊपर मेट्रो ट्रेन या जो कुछ भी हो या उसकी सहूलत है बड़ी यहाँ पे। और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, अब देखिए इन्होंने जंगले वगैरह लगा के इसको सेफ भी किया हुआ है, और इसके अंदर हाँ मतलब सहूलियात, वाशरूम वगैरह भी बने हुए हैं, बड़े चीज़ों की सहूलियात भी है बड़ी। और ये ट्रैक चेक करें, बहुत ही खुला ट्रैक है बड़ा, दो साइड हाँ। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मैदान अरफात में, यहाँ पे ये मस्जिद मेरे आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी मस्जिद, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद नीमरा, और इस मस्जिद में हज का खुतबा दिया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही वसी है, आप लोग देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से बहुत ही वसी है बड़ी, और यहाँ पे ना हज का खुतबा दिया जाता है। और मैंने मतलब इसमें जो साल के अंदर ना दो, मतलब सिर्फ दो नमाज़ें होती हैं वो भी दौरान हज, असर और ज़ोहर, और वो भी इकट्ठी होती हैं, तो बाकी ये पूरा साल ये मस्जिद बंद पड़ी रहती है। ये हम जा रहे हैं इस साइड पे, ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है आप लोगों को, आगे जाके ज़्यादा क्लोज कर दूंगा, इसका नाम है जबले रहमा, ठीक है। यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की जो पहली मुलाकात हुई थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा दिया था, ये वो पहाड़ है बड़ा। हम इसको क्लोज जाकर आपको इसका व्यू दिखाते हैं। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं, काफ़ी करीब करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पे कैफेटेरिया टाइप शॉप बनी है गाड़ियों के अंदर, ठीक है, कौन के डिज़ाइन भी रंग बिरंगे कोने भी हैं बड़े। और ये है वो जबले रहमत, ठीक है, ये बोर्ड लगा हुआ है साइन बोर्ड, और आगे हम जा रहे हैं। ये गाड़ी बनाई हुई है, उसके अंदर आइसक्रीम वगैरह, छोटे छोटे कैफेटेरिया, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि शॉप वगैरह तो इंतज़ाम है नहीं, तो ये उन्होंने ये इंतज़ाम किया। ये वो जबले रहमत है, उसका इतना बड़ा ग्राउंड बना हुआ है बड़ा, ठीक है। और हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचता बंदा ऊपर।
इतने आबासी लिखे खड़े। ये पहाड़ की तरफ ऊंचाई की तरफ जाने का रास्ता है और हम इधर से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से चढ़ के ना ऊपर तक जाना है। मैं सोचा था सीढ़ी होंगी, सीढ़ी नहीं है। अल्लाह अकबर। यल्ला यल्ला यार, हमें किसी ने शायद गलत कह दिया। इधर से रास्ता है लेकिन ना वकास भी कह रहे नीचे से आवाज़ दे रहे कि उधर से सीढ़ी भी है बड़ी, तो हम सीढ़ी वाली साइड से जा रहे हैं। इधर से आ जाए यार। मेरे रास्ते में बिल्ली बैठी है। यहाँ से हम आए, सीढ़ियाँ बनी हुई यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये वाला रास्ता है अपना, वही मेरी टांगे थकी है, भागना नहीं चाहिए था। ये नीचे मैदान अराफात और वो सामने मस्जिद निमरा खड़ी, और ये हम ऊपर जा रहे हैं भागों उस वजह से सांस फूल गए, लेकिन हम पहुँच गए। चलो ये वो मुकद्दस जगह है बड़ी, जहाँ पे आपको बताया कि मुसलमान ने आखिरी खुतबा हिज्जत विदा अदा किया था, दिया था, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के यहाँ भी जाके दुआ कबूल हुई थी। और कहा जाता है यहाँ पे जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। आप सब यहाँ पे नहीं आ सके,